सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानन्स YouTube चैनल राइट नाउ। एक मेरा भाई और एक सुंदरी फ्रॉम बंगाल जो यहां कॉन्कर करने आई है सनक गई है क्योंकि उनके बगल में दो हैंडसम लोग हैं, एक ज्यादा हैंडसम है एक कम हैंडसम है। मैं सिद्धार्थ कानन, ज्यादा हैंडसम कम हैंडसम विद्युत और डिंपल्ड ब्यूटी रुक्मणी मैत्रा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। जब हम लोग आए थे यहाँ पे विद्युत ने मुझे टशन में बोला कि देखो डोंट फ्लर्ट विथ हर, ये मेरी है, मैं ही सिर्फ फ्लर्ट कर सकता हूँ। डू यू फील ये आपके बारे में बहुत पोजेसिव है? नहीं, ये फ्लर्ट नहीं, ये मुझसे प्यार करते हैं ना, नहीं तो विवान अंशिका के लिए क्यों इतनी सनक क्यों होगी अगर ये मुझसे प्यार नहीं करते। इट्स नॉट फ्लर्टिंग, इट्स फुल लव। तो आप इतने पोजेसिव क्यों हो जाते हैं? आप कहते हैं कि ये मत बोलो ये मत करो, क्यों विद्युत भाई? आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, आप बताइए क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कहीं लगता है कि आपका भी दिल इन पे आ गया होगा, और फिर आपको लगा कि ये बंदा सामने बैठा है ये अटेंशन ना ले ले। स्पेशली जो हरी पैंट पहनी है ना इस चक्कर में। डियर लॉर्ड, बट यू नो आई एम सो हैप्पी यार। अरे इनकी फुर्ती देखिए, आपने देखिए अपने इनकी फुर्ती, चलो फिर से करो ऐसे तेरी। इफ यू आर हाई फाइव माय फेस। ओके लास्ट टेक, लास्ट टेक, चलो लेट्स डू दिस। 1 2 नहीं, लास्ट टेक ऐसा नहीं होगा, एक और नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं काम करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपए हैं क्या? नहीं, 54 भी नहीं है भाई। किसी के पास है 100 रुपए? अरे दे दो, मुझे भी दे दो, बस के भाड़े चाहिए, भाड़ा दे देना वापस यार। मुझे वो स्टूल दीजिए सर, the man who is not interested. Yes, can I get the stool? Is this, are we still doing this interview? Yes, this is raw. Yeah. I'm gonna do this for you on your show, man. Aja, aja, bhai. So मैं अक्सर फुर्ती के बारे में लोगों को सिखाता हूँ. You gotta be gentle if you really are a giant. Anyway, so फुर्ती कैसे होती है मिस्टर करण? हाँ, ये कितने का नोट है? 500 रुपए का नोट है। ये 500 इनको मिल जाएंगे अगर ये ले लेंगे। अभी भी अलाउड है? अलाउड है, अलाउड है। और उससे पहले तुम्हें मैं ट्रेन करूंगा फुर्ती कैसे बढ़ाते हैं। 500 का नोट है करण, ये पड़ा हुआ है और तुम्हें कितने तरीकों से तुम उठा सकते हो, एक ये है, एक ये है, प्रैक्टिस करो 2-3 बार फुल स्पीड में। अबे रुकना है, प्रैक्टिस करो। तेरी इसको क्यों हिला रहे हो? I'm practicing. इससे तो ज्यादा जल्दी वो नवंबर महीने में गया। दोबारा करो प्रैक्टिस ऐसे। हां वेरी गुड, हां गुड वन, निकाल ना, कूल है, रखो यहां पे। अच्छा रख लिया। अब ये नोट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तुम अपना हाथ यहाँ रखो। हाँ, मेरा हाथ यहाँ है, जब तक मैं मूव नहीं करूंगा तुम नहीं करोगे, ठीक है। मेरे कितने तरीके हैं हाथ निकालने के? पैसा, 1 2 and 3, आर यू रेडी? यस। अरे इतनी स्पीड, एक और प्रैक्टिस। आर यू किडिंग मी डूड, कम ऑन, कम ऑन बाहुबली स्पीड, यू कैन डू इट। ताली बजाओ मेरे लिए, कम ऑन। हाथ नीचे रख लो, ये देखो नहीं कमा पाए। आखिरी बार चलो, come and try. Look at the eye, eye to eye, you jump and you will get it. I need popcorn for this magic show. अच्छा 500 रुपए तो दे दो भाई। Ability है, 500 तो तेरे इस लड़की के हैं। Thank you. तैयारी नहीं आया लड़का है यार, इतनी बातें करता है मगर तैयारी नहीं की लड़के ने। Fitness की। अच्छा सुनो मैं बताऊं, ये एक लेबल आ चुका है कि फिल्म करता है बंदा सॉलिड फिल्म है। जब तुम्हें पता चला कि विद्युत तुम्हारे सामने होगा तुम्हारा दिल धक धक करने लगा, तुम तुरंत जिम गई और तुमने 3-4 कराटे चॉप्स किए, या फिर तुमने कहा यार टक्कर होगा हम दोनों का, या फिर तुमने कहा कि डिंपल से ही काम चल जाएगा? लाइक इट ब्रदर, फिर रेडी नहीं है बोलो। नो नो, ऑफ कोर्स व्हेन द प्रोजेक्ट केम माय वे, ऑफ कोर्स बिकॉज़ विपुल सर हैड कॉल्ड मी फॉर द फिल्म, आई वाज इन कलकत्ता प्रमोटिंग अनदर फिल्म ऑफ माइन व्हिच वाज ड्यू टू रिलीज, and thereafter of course Vidyut's name came up, and I realized that when Vidyut Jamwal and Vipul Shah comes together it's going to be a big big budget action movie, like the kinds which we like to watch. So it was very exciting. I had never gone to the gym in my life, I've never worked out a day in my life, and I was like damn, I need a trainer, and I eat like a glutton. Main gym nahi jaati hu. झूठी। हाँ ये सही वैलिडेशन, मैं जिम नहीं जाती हूँ। झूठी। मेरे पास ट्रेनर नहीं है। झूठी। और मैं बहुत खाना खाती हूँ। झूठी। I am a hardcore Bengali. I love my rice bhat. I eat that 4 times a day. Believe you me, that is what I do. But when I heard this, I was like, damn, अब कुछ करना पड़ेगा. You know, life में कुछ तूफानी, and I was like, I need a trainer, I need this, I need that, and everything. But thankfully, Vipul sir was very kind. He said, आप जैसी हो वैसी रहो. There's no stress. But having said that, I read the script and everything, and I said, okay, Vidyut is doing all the action and everything. But there's this one moment where I get to kind of pick up
and put Vidyut Jamwal down and that was my winning moment. उसको चोट पहुंचाया क्यों? दिल पे पहुंची ना? मुझे बहुत चोट पहुंचाया इसने लाइफ में. माने एक्स्ट्रा टेक्स भी लिए मार मार के. क्या बताओ प्लीज, इफ यू हैव डन इट आई वांट टू टच योर फीट. नो नो, लाइक वी सेड ना, ही इज अ जेंटल जायंट. He's a gentle giant. He's a gentle giant. He looks like a giant, but he can you just show me how you beat him up? Just really. Can you do it on him? You can just throw a slap or something. That's a better idea, actually. In ऐसे मत क्या? तो तुम जब इनके साथ shoot करते थे, तुम distract होते थे इनके dimples के साथ? जी. बहुत. माने you were forgetting lines. नहीं lines तो थी नहीं ना मेरी. सिर्फ मुझे disco देखना punch मारना. तो मेरे dimples. अरे तू फिर miss कर रहा है. अरे I thought he was off guard यार. Never. हाँ. So. That she's a lot of fun to work with. The good thing about her is she's come trained. Like, she's a very big star down on the east side of India. And Kolkata mein, yaar, jab bhi kabhi kisi actor ka naam sunta hoon, toh maine sabse pehle inhi ka naam suna tha. And when I met her, and I say this in every interview, it's not about how good an actor you are for me, it's about how good a person you are. When I saw her on the set the first day, she was nice to everybody. And I think that changes the vibe. अरे तुम सुनो ना, कहाँ यहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूँ भाई? इतना मत देख, प्यार हो जाएगा. प्यार हो जाएगा. So she's so nice to people, and that's the day I realized that we'll have some good, lot of fun on the set, and she did really a good job in the movie. Thank you. क्या बात है ये niceness के लिए high five. I was being the kinder one because I'm a nice person. हाँ, but do you also feel he's a nice guy कि नहीं? कि नहीं. बोल देना सच में. I need some time to think about it. देख तूने इतनी तारीफ की and she's saying I need time to think whether he's a good guy or not. She's an intelligent girl. She thinks before she talks, unlike a few people I know. In this room. Listen, stop talking about yourself like that. I don't like it. अपने बारे में बुराई मत कर. Some tutorials. I feel like Jamwal. You also do like a blooper round, like cut. Of course. But you know, vada hota hai aur pav hota hai. Yeah. Action hota hai aur video hota hai. Yeah. Ye diya isne acha yaar. Huh? Seriously? No, seriously. I know you're the king of action. I mean, you're the best guy everybody in the world. Yeah. We know it. Woh chaap lag gaya hai, tattoo lag gaya. He is so technically sound, like it's beyond imagination. Like, you know, of course, he's very comfortable to work with. Like, I remember when I went back, my first day of shoot and everything, my mother asked me, she stays with me, like, how's he? I said, he's just so easy. There's no baggage. He's very comforting. And the biggest thing, not only with me, irrespective of my dimples, he's not encouraging me. He'll come up to you and he'll say such inspiring things to you, you know, if he feels that you're having a bad day, which a lot of us do actually. He'll come and he'll pay you a compliment and a genuine one at that. Like payment money in cash. The 500? No, for us it was 2000. He's wonderful to work with. You know what I've known about him? He's a no bullshit man. No, yes, absolutely. No bullshit. पसंद आया सुना देता है, नहीं होता है नहीं है. ये no bullshit वाला attitude कहाँ से आया तुम्हारे पास? दिल से. Why are you digging your own grave? Now I too can get the vibe. कहाँ से आया? सब कुछ यहीं से आया सर. जो अंदर आत्मा बैठी है उससे. नहीं यार, there are a lot of ways to do the same thing, and I think this is my way. What I feel I should say it mostly, not all the time, and yeah, that's how it is. मजे आते हैं. And I like taking people off guard. I like saying things to people that they're not used to listening to. Like मैं अक्सर बोलता हूँ, मुझसे कई लोग चलते चलते पूछ लेते हैं, how are you sir? तो मैं बोल देता हूँ, I'm sad. They don't know how to react. Normally if I say I'm fine, they just move on. So I like to just take people off guard. नहीं, तुम्हारा एक inherent confidence है, very strong confidence. I don't see any insecurity in you. कहाँ से आता है? Life lessons से, childhood से, कहाँ से आता है? Yeah, I think if you start treating everybody equally, and it's not easy, like it's easier said than done. मतलब चाहे आप प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बैठे हों और आप उन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप किसी आदमी और को भी करेंगे, आई थिंक द कॉन्फिडेंस लेवल इज द सेम. आई बिन रेज इन एन आर्मी बैकग्राउंड. वहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चन हो, कुछ भी हो. वाई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आई बिन रेज विद मेंटेलिटी. यहाँ पर जान देने वाली बात है. आई विल प्रोटेक्ट यू फैम एट द बॉर्डर. सिमिलरली यू जस्ट नीड टू लव एवरीबडी एंड आई एन्जॉय लविंग पीपल. How sweet यार, बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत प्यार करता है. And genuine. आपसे दिल से यार, मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ इससे यार. वैसे इतने सालों से. But sure, first of all, I'm very very happy for you. You found a special lady in your life. I met Nandita Mehtani quite a few times. और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है in terms of being a very balanced girl, very subtle है, understated है. How did you all begin, भाई? How did you all become, भाई?
लोगों को समझ ये लोग इसलिए देखते हैं इसकी बातें नहीं समझ आती 90% माय लास्ट नो यू कैन गिव मी अ फाइव आई रिस्पेक्ट हिम अपना माय लास्ट इंटरव्यू विद हिम वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज दैट वी हैव हैड बट दैट वाज द लास्ट टाइम सो नहीं यार इट्स जस्ट दैट समटाइम्स यू जस्ट रिस्पेक्ट अ पर्सन मोर देन यू लव अ पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट रिस्पेक्ट इज आई थिंक मोर इंपेरेटिव देन एनीथिंग एल्स सो वी हैव रिस्पेक्टेड ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम आप लोग अच्छे दोस्त थे बहुत पहले से व्हाट मेक्स अ वेरी स्पेशल टू यू भाई What makes her very special to you? You know, I can't like say it in a line or in a few words. There are zillions of things that make her special to me. I'm choosing the best out of the lot. I think just the fact that I know she's meant to be with me, and I think that's very special. Sometimes you just know that's good. But kya wo aapki filmon se dur rehti hai, or does she watch your films and all? She loves Hindi movies. She loves movies. Yeah. Maine dekha tha inka ek Insta post. You know, actually wall pe chal rahe the yaar. Men respect women sincerely. I wanted to show her these men. I think men can be more respectful. I wanted her to experience it. When we went for the rappelling thing, there were about 300 army guys there and they had harnessed her. And in the middle of it, I asked her, you know, there are so many men watching you. Are you like self-conscious? Are you aware of your body? Because you know how when you're wrapped up, she said, this is the first time, no. I said, this is what real men are all about. The officer doesn't hits on his officer's wife. They really respect you. I wanted her to experience it, and I think that was the best place to take her and show it to her. Wow.